वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और आज हमारे साथ हमारी मेहमान आ चुकी हैं जो अब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमें बातें बताती हैं। कल का दिन हमने इनको थोड़ा सा छुट्टी दे दी थी, इन्होंने कहीं अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकी, लेकिन आज डॉक्टर शवाना मुफ्ती ने हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं डॉक्टर शवाना? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर अगेन। डॉक्टर शवाना, आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स पे और जो अब स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे यंग एज में इसका इस्तेमाल किसी भी तरह का, चाहे वो नशा है, क्या वजूहात हैं, क्यों हम इस पर तवज्जो नहीं देते, इससे आगाज करें। बहुत कॉमन हो गया, ये रिस्क बढ़ता जा रहा है। जिस तरह मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि कोई चीज़ जब रोकथाम ना की जाए टाइमली तो वो वबा बन जाती है, और जब वो वबा बन जाती है तो अभी मैं कल ही कॉलेज के बच्चों से, स्कूल के बच्चों से बात कर रही थी तो वो सारे हंस कर बात कर रहे थे जैसे इट्स नो बिग डील, ये तो बड़ा आजकल कॉमन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बात ये होती है कि बात बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है, और यही चीज़ जो है जब वो बड़े नशों की तरफ चली जाती है। ये जो एज होती है ना, ये समझनी चाहिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग एज होती है। इसमें बच्चा जो टीनेजर होता है ना तो एक पूरा आदमी है ना ही एक छोटा बच्चा है। तो ना तो वो माँ बाप के पूरे कंट्रोल में होता है ना ही माँ बाप के कंट्रोल से बाहर निकला होता है। तो वो एक मिडिल स्टेज में होता है जहाँ सर्जिंग हॉर्मोन्स होते हैं, जहाँ पे आप समझते हैं कि आप इनविंसिबल हैं, मतलब ना काबिले फतह हैं, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपको दुनिया का यू नो इट ऑल, एक थोड़ा सा बगावत का एलिमेंट होता है। समझने वाली ये बात है कि क्या वजूहात हैं कि वो नशे की तरफ जाते हैं। ड्रग्स कोई भी हो सकती है, ये भी बात करेंगे कि आजकल ड्रग्स कौन सी कॉमन है। सबसे पहले तो ये हो सकता है जी बोर्डम। आजकल जो है आपके पास हर चीज है, आपके पास अगर पैसा है या पैसा नहीं है फिर भी आपके पास गैजेट्स और अवेलेबिलिटी और कभी कभी मीनिंगफुल एक्टिविटीज की कमी की वजह से आप कभी कहते हैं बोर हो रहे हैं। और फिर दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटेशन। इस एज में आप हर चीज एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, कभी कभी कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ ओ आई एम वेरी कूल चिल डूड, बोला आपने, यू डोंट वांट टू लाइक गेट द फीलिंग कि आपको लेफ्ट आउट किया गया। आप पॉपुलर होने की वजह अपने दोस्त ऐसे होते हैं कि उनमें बैठ के चलो जी दो कश लगा लिए तो क्या बड़ी बात है, वही दो कश आगे बढ़ते बढ़ते और तरह से दूसरे नशों में आ सकते हैं। फिर ये हो जाती है घर का माहौल। घर के माहौल में अगर कोई टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे माँ बाप जो तलाक याफ्ता हैं या ऐसे माँ बाप जहाँ लड़ाई रहती है या ऐसी अवेलेबिलिटी जो घर में अल्कोहल पी जा रही है या घर का माहौल ऐसा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर अफेक्ट करेंगी। और उसके बाद कभी कभी अगर माँ बाप में कोई ड्रिंक करता है तो ये जीन्स में भी आ जाता है, तो जेनेटिक फैक्टर भी होता है। ऑब्जर्वेशन भी बच्चे की भी होती है, घर वाली चीज़ उन्होंने बाहर लेके जानी है। तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से पीछा छुड़ाने के लिए इसका एक वर्ड होता है एस्केप करना चाहते हैं, फरार चाहते हैं, तो जब वो टेंशन उन्होंने बाहर जाके उतारना है तो किसी हालत में भी उतार सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोकेन और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो स्मोकिंग वगैरह, उससे वो समझते हैं कि वेट लॉस भी होता है, तो कुछ लड़कियां वेट लॉस के चक्कर में स्मोकिंग शुरू कर देती हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, अच्छा, अभी जैसे आप बात करिए कि घर का माहौल बहुत मैटर करता है, चाहे अगर घर में कोई फादर या कोई मदर इस तरह की एक्टिविटी भी है, अगर नहीं भी है तो एक आपस का तनाव जो पेरेंट्स का वो देखते हैं वो भी उससे स्केप चाहते हैं जी। उसमें ये देखो कि कभी कभी माँ बाप अच्छे घर के, मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छे घर के बच्चे भी नशा में मुबतला हो सकते हैं। घर में अगर कोई तनाव चल रहा है, लड़ाई मार कुटाई है, तो वो तो उसे फरार चाह के बाहर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ी अच्छी फैमिलीज आती हैं और वो कहती हैं कि हमारे बच्चे को ये लत पड़ गई। उसमें ये होता है कि माँ कभी कभी कवर अप कर रही होती है, वो आपस में उनकी इतनी शेयरिंग या कम्युनिकेशन बच्चे के साथ नहीं होती। कभी कभी माँ बाप आके ये भी पूछते हैं कि आप ये तो कहते हो कि दोस्ती क्रिएट करो, लेकिन दोस्ती क्रिएट कैसे करनी है, कोई तरीका भी बताएं। उसमें ये होता है कि बच्चे को बेजा तनकीद मत कीजिए। घर के जो माहौल की बात की ना आपने, ये एज बड़ी थोड़ी सी बागी होती है, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है, उनके हॉर्मोन्स ऊपर जा रहे होते हैं, उसको आप दबा नहीं सकते। उनके साथ डिस्कस करें, उनका पर्सपेक्टिव समझें। जब बच्चा घर आता है तो उसको जब आप टाइम देते हैं, स्कूल का पता करते हैं, स्कूल में अगर बुली हो रहा हो ना बच्चा, वहाँ पे कोई आपको प्रेशर दे रहा हो, स्कूल का स्ट्रेस हो, ग्रेड्स का स्ट्रेस हो, या कोई बच्चे वहाँ ग्रुप मिलके बच्चे को मार रहे हो, और वो बच्चा जो होता है खासतौर पे लड़के जो होते हैं, या साइबर बुलिंग लड़कियों में बड़ी कॉमन है, अपनी सेल्फियाँ लगा के कोई बुरी बातें लिख देंगी किसी और के बारे में, बुरी सेल्फी लगा के, तो आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा होता है, तो वो डिप्रेशन जो बच्चों में आता है वो कभी कभी डर के और सेल्फ इस्टीम लो होती है, एतमाद की कमी होती है, माँ बाप से शेयर नहीं करते, माँ बाप कभी कभी समझ नहीं पाते। तो उसमें ये होता है कि आप अपने बच्चे को बेजा तनकीद कभी ना करो। अगर कोई काम चाहते हैं आप उनसे करना कराना, अपने बच्चे को कुछ तीन चीजें ऐसी बता दो कि बेटा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अच्छे ग्रेड ले आओ, या सुबह उठते हो तो अपना बेड बना लिया करो, या तुम ड्रग्स में मत जाओ। कोई तीन ऐसी बातें आप सोच लें, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी।
अब अगर आप मिलियन चीजें अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे तो वो नहीं होने की। अपने बच्चों को फोकस्ड रखें कि मुझे ये तीन चीजें तुमसे चाहिए, अगर तुम ये ले आओगे तो आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी बाप चलते फिरते अपने बच्चे को हर चीज पे, लड़के को तुम तो किस नकारा हो, उसको आप नकारा बना के छोड़ेंगे अगर आप उसको रोज ये कह रहे हैं कि नकारा। और वो ये होता है कि माँ कभी कभी बाप की साइड देने, ये मैं सब माहौल का बता रही हूँ, कि अगर माँ कभी कभी साइड देने की बजाय बच्चे को ये कहेगी कि हाँ बेटा बाप ने कह दिया लेकिन चल चल तू छुपके कर लिए, तो वो भी गलत है। अच्छा। बच्चे को कॉन्फ्लिक्टेड मैसेज मिल गया, छुपके आपस में इनका आपस में उनका वो एक वो मैदान जो है वो जंग का एक नहीं यकता नहीं है, वो कोई और मैसेज, उसको पता है कि दादा कुछ और कह रहा है, दादी कुछ और कह रही है, बच्चा मैनिपुलेट करके अपना मतलब निकाल रहा है, और बच्चे फिर भी बच्चे ही होते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने ये देखना होता है कि ऐसे साइंस, आप रेड फ्लैग जिसे कहते हैं, यही कहने वाली थी कि सिम्पटम्स, साइंस हम किस तरह से इनके, आप समझते हैं कि हमारा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है, और हमने तो बड़ी अच्छी तरबियत कर ली, तो हमने तो सोचा ही नहीं था, जब वो पहाड़ सर पे गिरता है तो आप कहते हैं हाय मैं मर गई, क्या हो गया, मैंने तो बड़ी अच्छी तरबियत की थी। इससे आप अपने आप को वो ना करें कि गिल्ट ऑल द टाइम पछतावा कि मेरी तरबियत में क्या कमी रहेगी, आपने बड़ी अच्छी तरबियत की है हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे फैक्टर्स थे जो आपने इग्नोर कर दिए। अगर बच्चा पहले जो है अच्छी उसकी ईटिंग हैबिट्स थी, उसने खाना पीना छोड़ दिया, तो पता कीजिए बच्ची की जिंदगी में ऐसी क्या बात हुई है, क्या उसको कोई बुली कर रहा है, स्कूल में उसको कोई प्रेशर है ग्रेड्स का, या फिर सोचें इस बात पे। देखें अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग जो चीज़ नहीं सोचना चाहते ना उसको कारपेट के नीचे डाल देते हैं, और वही चीज आगे बढ़ के जब पूरा तूफान बन के आपको मिलती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर जमाना हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हमारी कॉलर आ चुकी है मिसेस नवीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो खुश रहो, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है बेटे, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई है हमारी। हाँ बहुत दिनों के बाद, बाकी ये कि मैं प्रोग्राम को बहुत दुआएं देती थी और जबरदस्त है, मैं रह नहीं सकती कॉल किए बगैर। अरे जबरदस्त, कुछ कहना चाहेंगी आप? अच्छा बेटा मुझे ये पूछना है कि ये छोटी छोटी एज में जो लड़के लड़कियां हैं इनको मतलब नशा, ये नहीं कि आप सिगरेट पियो आप ये करो, लेकिन नशा करते हैं करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्या माहौल है, क्योंकि घरों में तो जाहिर है कि नजर रखती हैं माएं माँ बाप, लेकिन एक मेरा ये भी है कि हो सकता है कि जिनके माँ बाप ये इन आदतों में मस्त हैं या वो नजर नहीं रखते औलाद पे, इस वजह से भी बच्चे विसाट होके इस जगह पे जाते हैं कि चाहे वो नूसी में हम फिरते रहे हमें कुछ टेंशन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे क्या पता है किस वजह से है, क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक हो गया मिसेस नवीद, अभी आपकी बात का जवाब लेते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मिसेज नवीद फॉर योर कॉल। एक्चुअली अभी जो हम पूरी डिस्कशन कर रहे थे कि नशा बच्चे क्यों करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया बोर्डम हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, और ये एक एज होती है जिसमें सर्जिंग हॉर्मोन्स होते हैं, और फिर कंपनी आ गई, एक जो चिल डूड की आपने लुक देनी है, फिर आपकी कंपनी, फिर घर में जो है वो एक जो डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन गैप, ये सारी तो वजूहत हमने डिस्कस की। मैंने आपको ये भी बताया कि एक दफा जब नशा शुरू कर देते हैं कंपनी में या जो उसके क्या अलामत हो सकते हैं, उसमें ये भी आ सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फोकस के लिए होती हैं, एम्फेटामिन्स वगैरह हो गए, कोई प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो बच्चे वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं कि एग्जाम से पहले ले ली ताकि उनका फोकस और मेमोरी बेहतर हो सके। बाहर के मुल्कों में ये बड़ी कॉमन है, यहाँ पे हर वो चीज जो पहले बाहर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, तो उस पर नजर रखें। अब उसमें ये भी हो सकता है कि जो मैरिजुआना और हशीश यहाँ बड़ी कॉमन होती है, उसमें वो एक रिलैक्सेशन के लिए, कि अगर आपका बच्चा शाय है और उसको किसी चीज से टेंशन हो रही है तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो शुरू में वो मेडिसिन यूज करते हैं, अल्कोहल जो होती है, मेडिसिन कह रही हूँ सॉरी, नशा, और वो जो अल्कोहल होती है वो भी आपकी इनहिबिशन को रोकती है। तो डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट काम करती हैं। वो शुरू में अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है, स्कूल्स और कॉलेजेस में ज़्यादातर हशीश वगैरह और मैरिजुआना और अल्कोहल वगैरह यूज़ होती है, थर्मस में और बोतलों में पानी की जगह वो डाल के, इट्स वेरी कॉमन थिंग, लेके बच्चे जा रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो घर में उनको पहले से बता दिया जाता है कि ये आपकी लिमिट्स हैं, ये अच्छी है ये बुरा है, जहाँ फ्रेंडलीनेस होती है माँ बाप के अंदर वहाँ पे कम चांस है कि बच्चा इस किस्म के बिहेवियर में जाए, क्योंकि अगर है भी तो घर आके माँ को बता सकते हैं, मामा देखो आई एम सच अ स्ट्रांग बॉय कि मेरे सामने सारा कुछ ही हो रहा था लेकिन मैंने जो है वो इसको नो कर दिया। लेकिन अगर ये वाली फीलिंग घर में नहीं है और दोस्ती नहीं है तो ये काम खराब होंगे बार। और अगर घर में ही ऑलरेडी अल्कोहल की इतनी, बाप भी पी रहा है और बाकी सारा कुछ कॉमन कंसिडर होता बच्चे है, को रोक भी बच्चे को नहीं रोक सकते, लीड बाय एग्जांपल। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई पहले कि ऐसे ही होता है। हमारे साथ कॉलर है जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी?
मेरा ये क्वेश्चन है कि आई एम नॉट डिवोर्स्ड बट आई एम सेपरेटेड. ठीक है. मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को खर्चा भेजते हैं, इवन के वो घर में भी आते हैं. ही इज अब्रॉड. ठीक है. इज इन अब्रॉड. ठीक है ना. ठीक है. तो मेरा मसला ये है कि मेरे बच्चे जो है, मेरा बेटा 7th grade में है. ठीक है. वो बच्चा मुझे ना पढ़ाई में ग्रेड नहीं दे रहा, क्योंकि उसका बाप उसको हर चीज प्रोवाइड करता है. लाइक वो कहता है जी मुझे आईपैड चाहिए तो मेरे हस्बैंड प्रोवाइड कर देते हैं, मुझे वो चाहिए ड्रोन चाहिए तो मेरे हस्बैंड प्रोवाइड कर देते हैं, मुझे आउट ऑफ कंट्री ट्रिप चाहिए तो मेरे हस्बैंड अरेंज कर देते हैं. लेकिन मेरे हिसाब से वो 10 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं है. एंड मेरे बच्चे बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं. मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी. तो मेरे बच्चे अब मेरी बात नहीं सुनते. तो मैं खुद डिप्रेशन में चली गई और मुझे ये थोड़ा सा मतलब फील होने लग गया है कि कहीं वो मुझे छोड़ के चले ना जाएं. और मुझे ये भी लगता है कि कहीं मेरे हस्बैंड इनको मुझसे अलग करना दें, क्योंकि 10 years से वी हैव नो रिलेशनशिप. ठीक हो गया. सिर्फ वो आते हैं, मैंने खाना पका दिया, खा लिया. अपने इन लॉज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती हूँ. ही नोज वेरी वेल कि मैं अपने लॉज के साथ इन टच हूँ अभी तक. ठीक. तो मैं अपने बच्चों से दोस्ती करना चाहती हूँ. ठीक हो गया. आयशा अभी आपको जवाब लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अच्छा आयशा नाम बताया ना इन्होंने. आयशा देखें, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि बच्चे जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं और उनका कोई भी बिहेवियर किसी बगैर वजह के नहीं होता. आपको इस सूरत हालात में पहले तो ये देखना पड़ेगा, घर में टेंशन है, उन्हें पता है कि माँ सेपरेट रह रही है, तो जो चीज़ें उन्होंने दिल में दबा के रखी हैं वो अब एक्ट आउट कर रहे हैं. वही चीज़ें अब घर का जो था उनकी माँ बाप की नहीं बनती थी, 10 साल से सेपरेट हैं, ये घर का माहौल है. वो देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप, उनका बाप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है फिजिकली, सिर्फ खर्चा भेज रहा है. खाली वही तो ज़रूरियात नहीं होती, लेकिन ऐसे घर हैं जहाँ पे डिवोर्सेज हो जाती हैं, जहाँ पे सेपरेशन हो जाती है, वो अलग रह रहे होते हैं जो इनकी सिचुएशन है. आपकी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि यू नीड टू बी वेरी डायरेक्ट विद योर हस्बैंड. आप सॉरी जो हस्बैंड सेपरेट हुए हैं, अभी तो हस्बैंड नहीं है, मतलब जो भी आपके सिग्निफिकेंट अदर हैं उनसे आपको डायरेक्ट होना पड़ेगा, उनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. आप दोनों को एक पेज पे होना पड़ेगा कि कौन सी, बच्चे को डबल मैसेज नहीं दे सकते, बच्चा आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बच्चा बच्चा है. आपको दोनों को पहले अलग से डिसाइड करना पड़ेगा कि जो खर्चा आ रहा है वो आपके कंट्रोल में होगा. वो डायरेक्ट चूंकि वो वहां पे फिजिकली बच्चे के लिए प्रेजेंट नहीं है, वो नहीं सुपरवाइज कर सकते बाहर बैठ के कि ये बच्चा क्या कर रहा है, नशे के लिए पैसा यूज कर रहा है या आईपैड के लिए यूज कर रहा है. ये आपकी जिम्मेदारी है. आपने अपने उनसे बात करनी है कि पैसा मेरे हाथ में आएगा, मैंने कंट्रोल करना है, पावर आपके पास होनी चाहिए. अगर वो कम्युनिकेशन अपने उनके साथ रखें कि बच्चे को वो इस तरह से खराब नहीं कर सकते, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन. इसमें आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा. एक तो ये बात. दूसरी ये बात ये है कि इस माहौल की वजह से आप खुद डिप्रेशन में नहीं जा सकती. बच्चे जो होते हैं वो ये भी पता कर लेते हैं कि माँ वीक है या बाप वीक है और उनको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. उनकी ये बढ़ती हुई एज है जहां पे आप अपना वीक पॉइंट उनको नहीं दे सकते. जितनी डिप्रेशन एंजाइटी अपने कमरे में जाके अलग से रो धो लें, जो आपने वेंटिंग करनी है अपने दोस्त के साथ कर लें, कोई अच्छे एडवाइजर के साथ कर लें, बच्चे को अपना वो वीक पॉइंट ना दिखाएं. तीसरी बात, अपनी तवक्कुआत बच्चों के ऊपर ये मत रखें कि उनके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं या बुरे. पहले ये पता करें कि उसका पोटेंशियल कितना है. हो सकता है उनका 90% का पोटेंशियल नहीं है, 80% का है. वो जो उनका पैशन है, जो ड्रीम है, पहले उसको एक प्रोफेशनल हेल्प से टीचर के साथ जाके मीटिंग करके देख लें कि क्या ये बच्चा अपना फुल दे नहीं रहा जितना पोटेंशियल है, या ये इसका पोटेंशियल ही इतना है. तो अपने आप को ये पछतावे में मत डालें कि मेरा बच्चा जो है वो रॉकेट साइंटिस्ट ही बन सकता था और मैंने इस माहौल की वजह से उसको कुछ और बना दिया. बेसिकली तो आपने ये देखना है कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है. तो इसमें 3-4 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. लेकिन अपने ऊपर जो तवक्कुआत, जो आपकी अगर कोई इनसिक्योरिटी अपने हस्बैंड की वजह से या अपने रिलेशनशिप की वजह से, वो इनसिक्योरिटीज दरवाजे के पीछे उनके साथ सॉल्व करें, बच्चे के साथ वो तवक्कुआत ना रखें. आपको ये डर कि वो छोड़ के चले जाएंगे, उन्होंने तो छोड़ के जाना ही है. आप कैसे सोच सकती हैं, बच्चा आपका हस्बैंड नहीं बन सकता, बच्चा आपका बाप नहीं बन सकता. बच्चे को एक अच्छा तहफूज वाला केयर फ्री बचपन आपने देना है. उसके ऊपर ये प्रेशर बचपन में डालकर उसकी पर्सनालिटी बर्बाद ना करें. बिकम एन इमोशनल स्ट्रांग वुमन. लवली लवली, इतनी जबरदस्त टिप दे दी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शमाना, बहुत अच्छा लगा. और आज डॉक्टर शमाना हमारे साथ लास्ट डे पे ज्वाइन करने वाली है. हम डेफिनेटली आपको बहुत मिस करेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप हमें बताती. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू जनाब. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. हमारे पास और भी मेहमान है जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.